महाराज द्वार पे विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ पधारे हुए हैं। क्या विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिला पति पाए। क्या द्वार काल में क्या सुन रहा हूँ कि विश्वामित्र के राजा दशरथ पधारे हुए हैं, के पुत्र रामचंद्र जी और साथ में लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ पधार रहे हैं। जी महाराज। तो ये तो कितनी खुशी की बात है कि अपने मिथिलापुरी में जनक के द्वार पे राजा दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण और उनके गुरु विश्वामित्र जी पधार रहे हैं। तो अपने इस मिथिलापुर के और अपने जो उत्सव है उसका ही निश्चित शोभा बढ़ेगी। और हम चलते हैं द्वारपाल जी, हम और आप चलकर सादर गुरु से प्रणाम करते हुए उन्हें सादर और उत्सव में आमंत्रित करें। ए द्वारपाल सुनो, ए द्वारपाल सुनो, अब विश्वामित्र के पास मिथिलापुरी में पधारे हैं। तो चलकर उनका सादर प्रणाम कर और सा सम्मान अपने इस उत्सव में लाए और अपने उत्सव का शोभा बढ़े। संग सचिव सुति भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञान चले मिलन मुनि नायक है मुदित रावल ही भा। गुरुवर आपका सादर प्रणाम है। आप मिथिलापुरी जनक के द्वार पधारे और मेरी पुत्री सीता का आज स्वयंवर है और आप आकर इस स्वयंवर की शोभा बढ़ाएं, इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। आशीर्वाद की कामना है। कुशल प्रश्न कहे बार ही बारा विश्वामित्र न पहिबे खारा। मेला कमेटी से अनुरोध है सिंहासन में कुर्सी भेजने का कष्ट करें। हेलो गुरुवर, जैसा कि आपको विदित है कि एक बार की बात है मिथिलापुरी
में मेरे ही घर में और मेरी ही पुत्री सीता एक बार घर में घर को साफ कर रही थी और उसका लीपन पोतन कर रही थी। उसी दौरान शंकर जी का धनुष जहां पर रखा हुआ था, ऐसे धनुष को उठाने की किसी की जरूरत नहीं होती थी, साथ में उसे हिला भी नहीं सकता था। और मेरी पुत्री सीता एक हाथ से बाएं हाथ से उठाकर उसे दूसरी जगह रखकर और उस जगह की सफाई किया, तो उसी दिन मैं मुझे आश्चर्यचकित हुआ कि शायद मेरी पुत्री बहुत ही बलशाली है। और मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि आज से मैं प्रण करता हूँ, मैं एक निश्चय करता हूँ कि अपने पुत्री का विवाह उसी बलशाली के साथ करूँगा जो बलशाली इस धनुष का खंडन करेगा। तो ऐसा संकल्प इस जनक जनक के माध्यम से लिया गया है। और आप जैसे महाराज, आप जैसे गुरु अपने राम लक्ष्मण को राजा दशरथ के बच्चों को लेकर आए हैं, तो निश्चित ही जनक के द्वार पे पधारे मिथिलापुरी की शोभा बढ़ी। और हम आपसे अपने पुत्री और इस उत्सव की आशीर्वाद की कामना करते हैं। आशीर्वाद है आपको, आशीर्वाद है। ये सनोज, ये इधर आओ, इधर भीतर नीचे आओ, ऊपर कलर भीतर इधर आओ। और गुरुवर आप चले मेरे साथ, पहले आराम करें, उसके बाद फिर आप इस सीता स्वयंवर में शामिल होंगे। सुखद भी सुचित चूरा उठे सकल जब रघुपति पाए विश्वामित्र निकट बैठाए। वशिष्ठ लक्ष्मण तुम भी सो जाओ। काफी देर से तुम लोग मेरे हाथ पैर दबा रहे हो, थक गए होंगे, अब तुम भी आराम कर लो। लखन हृदय लाल साहब से थी जाय जनकपुर आई देखी। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव लखन की इच्छा है कि वह जनकपुर घूम आए। अगर गुरुवर आप चाहते हैं तो हम लखन को जनकपुर घुमाए। जाहि देखिया वह नगर सुख निधान दोहार करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। ठीक है जाओ घूम कर आओ। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा।
या थोड़ा हल्का जो पुष्प ले आओ। समय जान गुर आया सुपाए ले न प्रसून चले दो भाई। जैसे आज्ञा गुरुदेव। हेलो